नहीं मतलब मारे तो कोई मतलब नहीं। तुम मेरे चैन करा करते केक रहा सारा दिन केक रहा तेरा पट्टा के ना करती तो मेरे से बोलिए मत। आप बेच सकते मत बोलो जाओ भाई। मैं नहीं बोलूंगा दोस्तों इस तरह और मैं व्लॉग भी नहीं बनाऊंगा इस व्लॉग ने भी अड़े एंड करूंगा। राम राम सभी दोस्तों को देश वाले व्लॉग में आपका स्वागत है। साथियों आप जान लाग रहे हैं भाई सब्जी मंडी मैं छोटा और देवराज इनकी मम्मी घर पे रहेगी। सब्जियां सारी खत्म हो रही है घर पे तो सब्जी ले आवांगे और छोटे का कुछ सामान है देवराज का भी कुछ सामान है वो भी ले आवांगे और भाई बड़का की मम्मी ने घर पे छोड़ांगे आज। आज मन छोड़ के जाओगे कुछ खा खाओगे बाबू बेटा तीनों मैंने दे रहा है। भाई छोटे पता ये क्या करने जा रहे हैं हम सब्जी लेने जाओगे। कल आपने बोल दिया था सोनू की सारे काम मैं ही करती हूँ तो भाई आज फैसला कर लिया हमने हम तीनों बाबू बेटा सारे काम करा करांगे। उसके भाई उसमें रोटी पोनी भी हो सब्जी बनानी भी हो तो सारे काम आप लोग करके दिखाएंगे। छोटे हम कर सका नहीं कर सकते कर सका। आप चाय भी बना लो और सब्जियां भी बना सको ना। रात ने मैंने रोटी बनाई थी अपने थी। भाई क्या बात आज भाई आज रोटी बना के दिखाइयो छोटे और दर्शकान दिखावांगे आप लोग कैसी रोटी बनाओ हो। ठीक है मैंने क्या काम कर लिए बाना बाना कर रहे बाबू बेटा स्कूल में बच्चे मैं छोड़ गई लेके मैं आई। अच्छा घर का काम मन में कर तेवन्यू थोड़ी है कि सारे काम हम करांगे और आपने मारा नहीं बना जाएंगे मारा नहीं बना थोड़ी रखूंगा सारे काम काम तो भाई करने पड़ेंगे जो आपके से काम है वे तो करने पड़ेंगे। बच्चे छोड़ के मैं यार लेके आई लेडीज आप नहीं जीत सकता कोई भी छोटे आ जा भाई क्यों टाइम वेस्ट करे यार इन तो कोई नहीं जीत सकता नहीं जीत नहीं सकता ये देखो भाई सारे बच्चे देख लो भाई अपनी मम्मी पकड़ ली ना अपने पापा की मेहर लिया करो भाई क्योंकि पापा तो हैं वे भाई सादे हो हैं बेचारे उन्हें किसी भी तरह बह गाले हैं ये लोग तो हम तो चल पड़े हैं भाई सब्जी मंडी और छोटे ने कर दी अपनी स्कूटी तैयार जावा हम के सब्जी लेनी बता दे बहुत मजा आ गया लिया प्याज टमाटर लहसुन अदरक और घिया गोभी आलू और जी चलो जो हमने अच्छी लगेगी वे ले आवांगे। जो हमने अच्छी लगेगी वे ले आवांगे। ठीक है दोस्तों बहुत अच्छा एरिया है ये सेक्टर 2 में हमारी सड़कें हैं भाई छोटी छोटी सड़कें हैं ये लो भाई दोस्तों सब्जी मंडी में पहुंच गए हैं छोटे लाल याद तो होगा ना के लेना है और भाई मंडी में देखो भारी है इस तरह की रेडी आप लोग दिखाई देंगी सूखे मसाले यहाँ पे मिल रहे हैं और आप लोग ने पिसवा के लेने हो तो ये भाई पीस का भी दे दे हैं सामने जो बैठे बहुत बड़ी सब्जी मंडी है पहले पीछे हुआ करती और अब तो शेड लगा दी ऊपर भी शेड लगा दी और काफी सारी लाइने हैं जैसे कि हम इस लाइन में आ गए एक ये लाइन होगी एक इस तरफ है और फिर दो लाइने इस तरफ है और ऊपर इस तरह से शेड लगा रखी है। काफी अच्छी सब्जी मंडी है बहादुरगढ़ की कुछ भी आप खरीद सको यहाँ से सब्जियाँ होगी पनीर हो गया मशरूम होगी छोटे सारी चीज मिल रहे हैं। क्या भाव सेठ जी 60 रुपए किलो तो भैया ये प्याज है 60 रुपए किलो भाई छोटे लाल काफी महंगे हैं बेटे महंगाई तो आ रही है छोटे टमाटर और पूछ लेते हैं तो भाई दो तरह के टमाटर हैं दोस्तों एक तो इस तरफ रखे हैं भाई ने और एक इस तरफ रखे हैं ये क्या भाव है भाई भाई ये 50 रुपए किलो हैं छोटे और वे परले वाले हैं 60 रुपए किलो बता कौन से लेगा भाई छोटे की जो चॉइस है वो बेहतरीन है छोटा बोल रहा है कि 60 रुपए के जी जो है वे ले होंगे ऐसा क्यों छोटे क्या फर्क लग गया इनमें थोड़े थोड़े खराब हो हैं चलो ये ले लेते हैं फिर बच्चा ने अभी से पता चल जाए कि भाई छाटने भी हो है क्योंकि ये अपनी मम्मी के साथ आवे हैं तो अपनी मम्मी ने देखा है मैं तो दोस्तों बिना छाटे ले लिया रू मैं तो दुकानदार दे कह दिया रू भाई 1 किलो दे दे लेकिन दोनों बच्चों ने यहाँ पर टमाटर छाट लिए भाई अपने और बहुत ही बेहतरीन टमाटर हैं लो भाई साहब 1 किलो कर दो और भाई मंडी वाले के हाथ ना दोस्तों बहुत तेजी से चल रहे हैं क्योंकि पूरा दिन बहुत सारे ग्राहक आवे हैं और तेजी से काम कराना पड़ा ही भाइयों ने 16 घंटे की भाई साहब हाँ भाई बताओ भाई 16 घंटे की ड्यूटी है इसलिए हाथ थोड़ा तेज रखना पड़ा है। ये प्रदीप भाई है दुकानदार और बच्चा इतने खुश हो गए देखो बच्चा तो टॉफी दी है क्यों छोटे लाल आप सब्जी खरीदना हो तो टॉफी मिलती है और आपकी मम्मी को कुछ नहीं मिलता तो भाई बच्चे के लिए टॉफी दे दी है भाई ने भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों टमाटर तो ले लिए भाई 60 रुपए के जी है महंगे चल रहे हैं सारी ये सब्जी महंगी हो रही है और भाई गवार की फली दिखी है मैंने क्योंकि हमने गवार की फली भी लेनी छोटे लेकिन गवार की फली ये थोड़ी पक्की पक्की लागे छोटे तो एक जगह और देख लेते हैं नहीं तो फिर
लेनी है यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। देसी गवार भी है? देसी गवार। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क है भाई साहब? इसके टेस्ट का फर्क है, जो देसी वो देसी खाता है। भाई भाई ने बताया, देखो ये देसी गवार है दोस्तों, और इसकी फली है छोटी, और वो हाइब्रिड है। वो हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है दोस्तों। ये क्या भाव है भाई साहब? दोनों ही सेम रेट है। क्या रेट? 25 रुपया पाव। तो भाई एक पाव हमारे लिए ये कर दो। तो ये पहिया करा लिए दोस्तों, क्योंकि आज मेरा जी कर रहा है आलू गवार की सब्जी खाने का, और दिखने में भी भाई बहुत अच्छी लग गए हैं, और खाने में भी ये बेस्ट रहे हैं दोस्तों। क्या भाव है लहसुन? 90 का पाव, 100 का पाव। ये भाई 100 का पाव है छोटे लाल, और ये जो वाला टूटे वाला आपने तोड़ना भी ना पड़े, ये 90 का पाव है। कौन सा लेना बता? वो वाला। भाई छोटे की चॉइस ही अलग है, छोटा बोल रहा है कि ये वाला लेना है। देवराज ले लिया? ठीक है बेटे, 10 रुपया फर्क है। ठीक है भाई साहब, एक पाव ये दे दो। छोटे कुछ बनावांगे तो तोड़ना आपने पड़ेगा। हाँ। और छीलना भी आपने पड़ेगा। ठीक है। पक्का? हाँ। वो तो प्याज और लेने हैं। 60 रुपए किलो। 1 किलो प्याज कर दो भाई, और प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों मंडी में देवा। हाँ। बस भाई मेरा आगे पसीने इतनी है, सब्जी खरीदी गई, अभी चलते हैं घर। बाकी कुछ बचेगा वो आपकी मम्मी अपने आप ले जाएगी बेटे, मेरे बस की नहीं है भाई पूरी मंडी में घूमना। भाई दोस्तों बहुत बड़ी मंडी है, और पूरे दिन मोल भाव चले जा है, ग्राहक आवे हैं दुकानदार आए पास, भाई क्या भाव दिए, ये लगा लो वो लगा लो, मतलब मोल भाव तो चल रहे है। और भाई बुजुर्ग जो हमारे हैं ताऊ दादा रवे भी सब्जी खरीदने आ जाए हैं, घर के बुजुर्ग और लेडीज ज्यादा आवे हैं, जवान जो बालक हैं वे कम आवे सब्जी मंडी में, क्योंकि खरीदारी का पता नहीं होता उन्हें। जैसे कि मैं आ रहा हूँ आज, मुझे कुछ नहीं पता भाई क्या खरीदना है क्या नहीं, ये दो चार मोटे मोटे सामान ले लिए तो जाते देव। दोस्तों कुछ सब्जियां तो खरीद लिया है भाई, अभी छोटे ने देवराज ने दी क्या भाई, वो 7-11 इसमें ये खरीदारी करें। क्या लोगे ये तो बता दो, के खान का लोगे इन्हें तो बताओ। चलो भाई चलो फिर ले लो कुछ भी। तो भाई बच्चा ने भी दिलवा दें कुछ चीजें यहाँ से, और बहुत बड़ा स्टोर है ये 7-11 सेक्टर 2 बहादुरगढ़ में, सामान अक्सर यहाँ से भी खरीद ले, वहाँ और शहर में अंदर भी चले जाओ भाई। हाँ भाई छोटे लाल क्या चाहिए बताओ? जो चीज़ क्या चीज? मरिंडा के कैन। ओहो मरिंडा के कैन चाहिए थे बच्चे ने, और भाई यहाँ पर वे है नहीं, तो छोटे एक काम करो, सबसे अच्छा तो ये रहेगा बेटे ट्रॉफी का ना जूस, वैसे अच्छा तो बेटे जो ओरिजिनल फल हो ना उनका जूस निकला है वो है, लेकिन फिर भी आप ले लो ये, आप खुश हो जाओगे ठीक है ना। कौन सा बिस्कुट है ये? जिम जैम। देवराज आप क्या लोगे बेटे? मैं तो ये लूंगा बोरबोन। चलो भाई, इसने बिस्कुट ले लिया चॉकलेट वाला, और छोटे ने ले लिया भाई करीम वाला, छोटे ही पसंद छोटे जैसी है देवा। चले आप घर या कुछ और लोगे? तो चलो दोस्तों चलते हैं घर पे, और सीधे अभी आप लोगों ने मिलाएंगे घर। बच्चा सामान ले लिया सारी, बच्चे मेरे भाई काफी समझदार हैं, 75 रुपया खर्चा कराया है। लेकिन 75 रुपये हमारे जमाने में कितने आया करते? बहुत ज्यादा। अरे छोटे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा, हम तो 5 रुपये में बेटे पूरा मेला घूम कर सब कुछ खरीद कर घर पे आ जाया करते, पूरा मेला सब कुछ देख कर कुछ ले कर भी घर आ जाया करते। लेकिन इब तो बेटे 100 रुपया ना भी आजकल कुछ ना मानता कोई, झूला ना आता, झूले की टिकट आवे है, झूला तो कई लाख रुपए का आओ बेटे। घर पर पहुंच गए हैं, और बच्चा ने निकाल ली सब्जी, और देखो बच्चे की सीक्रेट जगह सब्जी रखने की, क्या बात है छोटे लाल। और भाई इनकी मम्मी ने जो मंगाया था वो पता नहीं हम ले आन पाए या नहीं ले आन पाए, भूल गए, क्योंकि मेरे तो छोटे आलू और गवार की फली की सब्जी खानी थी। हाँ। वे चीज याद थी मेरा। हाँ। और ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो ये लहसुन याद थे बस, मैंने टमाटर प्याज। आपको टमाटर प्याज, आपको लहसुन। हाँ। और मेरा गवार की फली याद थी, और नहीं पता आपकी मम्मी ने के बोला था। तो सोनू लिया यहाँ सामान, और के सब्जी मंगाई थी आपने? मैंने प्याज टमाटर जो तुमने पसंद हो वो लिया। बेस्ते बेस हमने देखो गवार की फली लिया है हमें। हाँ। और भाई ये लहसुन लिया आया। तेरे एक दिन की सब्जी लाया। तो सोनू यो ही पाया हमने तो पूरी सब्जी मंडी में यो ही पाया। और के लेना था भाई? भूल गए थे पापा हम तो। मन ने कुछ याद ना आया मेरे तो गवार की फली थी। ये तो एक के टाइम की सब्जी है। और गवार की फली भी देसी ही लेकर आया हूँ। फिर बात जगह दोबारा लेने सब्जी, 2-3 दिन की तो लेकर आओ कम से कम सब्जी। अरे पास में है फिर लिया मांगे। हाँ मेरे बिना कुछ काम हुआ है पूरा। चलो भाई दोस्तों गवार की फली की सब्जी बनावांगे,
और खाना खाने का टाइम हो रहा है। बच्चे पेपर था, आज क्या का पेपर था? पापा इंग्लिश का। कैसा कर का ये? बहुत अच्छा आ गया मेरा। चलो ठीक है बेटे, कितने पेपर और रहेंगे छोटे? मेरे रहेंगे 5। और आपके? मेरे भी 6 रहे। 6 रह रहे हैं आपके? हाँ। आपके लास्ट में खत्म होंगे? हाँ। इसके पहला खत्म होंगे? एक दिन खत्म होंगे, पर मेरे ना एक दिन 2 पेपर है। अच्छा। हाँ। ये चीज है भाई दोस्तों, एक तो काम करो, और अगर पाती सर पे चढ़ गई मतलब इशादा नहीं होना चाहिए यार। काम कर का यहाँ भाई, चलो कुछ याद ना रहा है हमारा, कुछ सामान ना लेगा तो उसका मतलब यो थोड़ी हो। सामान के लिए का एक बात बता दो, प्याज टमाटर लहसुन तो छोक में यूज होगा, एक गवार की फली पाई तब सब्जी मंडी में। भाई मेरे सुबह उठती नहीं था, मगर आज आलू गवार की सब्जी खाऊंगा, वाह याद रही मेरे। फिर मन दिखा गवार तो गवार ले लिया, और एक का टाइम की सब्जी है, इमन ने जाके लेनी पड़ेगी दोबारा, कम तक कम एक हफ्ते की सब्जी ले आया करो। मेरे सोनू ना याद रहता इतना, क्यों याद क्यों ना रहे? फिर के करण गए थे बाबू बेटा? नहीं बड़का नहीं याद, भाई बार बार पूछू था बेटा के लेना ना इन बताई कुछ। अरे बेटे मैं तो बड़ा हो लिया, आप तो बच्चे हो, आपकी तो मेमोरी बहुत तेज है। के बताई थी मम्मी ने? मम्मी ने कही थी प्याज और टमाटर लिए और सारी अपनी पसंद की सब्जी ले आई, और तो भाई मारी पसंद थी गवार की फली थी सोनू, भी हम ले आए तेईब गवार की फली खा लियो सन ने, के खाओगे लठ छोटे ने? वह लठ खाओगे सन ने, सब्जी खाओगे और के खाओगे हम छोटे? एक तो काम करो और ऊपर तो फिर सुनो, तो इसका मतलब भाई हम काम करना ही छोड़ देंगे। काम करे देखिए, 4 थैली लटका के लिया, फिर इतना काम कर दिया जिन 3 मानस एक एक लटका के लिया, जब भी आया। अरे फली देख देसी बिल्कुल है, वे लंबे वाली फली तो मैंने देख ली। पर एक बात बता दो, एक का टाइम बनेगी सब्जी? कम से कम सब्जी मंडी में आदमी गया है 4-5 टाइम की तो लेनी चाहिए। अरे जब सब्जी मंडी दोस्तों इतनी दूर भी कौन है, आड़े तो 500 मीटर दूर है, 500 मीटर है, तो फिर रोज रोज जाके लिया कर लिया ही अपनी सब्जी आज ये बना। हाँ तो फिर जाना तो मन नहीं, भाई मेरे पे बात आनी सारी, चलो करना काम मन नहीं, कोई बात ना, ये भाग्य तो अपना काम। मेरा ये करने गए थे, ये चीज बड़ी याद रहे जा, बाबू बेटा का देखियो एक बार, ये दिया सब कुछ, ये देखियो की ये खाने की चीज बड़ी याद रहे जा, जूस है बच्चे अगर एक एक पैकेट बिस्कुट का है, फिर याद करेंगे ना, तो एक आधी सब्जी भी याद कर लो, ये भी खाने की थी। भाई आगे तो मैं नहीं जाऊंगा सोनू सब्जी मंडी में, जाना पड़ेगा, मैं ले आऊंगी, मेरा खर्चा 1 दिन की लाइयो, 10 दिन की लाइयो। सच्ची बताऊं दोस्तों, व्लॉग में मैं नहीं बता पाता, 3-4 दिन हो गए मेरे से मतलब लड़ाई करने की कोशिश है, लेकिन मैं थोड़ा समझदार बंदा हूँ, आप लोगों ने पता मैं लड़ाई नहीं करूंगा। शरीफ गणाए कैमरे आगे शरीफ मत बने, पीछे दामने दे रहा कितना ऊंट है भाई छोटे, मैं शरीफ कौन है यार? ना इव नाटक में मेरे नेगेटिव रोल दिखे तो उसका मतलब मैं वैसा थोड़ी हूँ, वैसे ही वो झूठ मत बोलो। अरे ये साइड बदल के बालक जी भाई, चलो भाई दोस्तों कोई बात ना, बच्चे साइड बदल के देरा नहीं, मम्मी की मेरे भी लेनी चाहिए हमेशा, पापा पापा की थोड़ी, चल कोई बात ना, एक काम करे आलू गवार की फली की सब्जी क्या क्या गए थे आज हम बनाऊंगे, मैं ना बनाऊं क्यों, मैं सोनू मैं बना दूंगा। हाँ फिर बनाओ। चलो भाई दोस्तों एक बेहतरीन सब्जी बना के दिखाऊंगा, आलू गवार की फली जो कि हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है, साथ में राजस्थान में भी बहुत प्रसिद्ध है। रोटी भी हम बनावांगे। जा सोनू आगे तो आपसे अलग होना पड़ा, तो सारा काम हम सीख लेंगे बाबू बेटा। बाबू बेटा मैं इकली। छोटे आपकी मम्मी ऊपर ले कमरे में एसी तार के ले आओगे? चल पापा एसी तो इसमें लगवा दूंगा यहाँ पे, नहीं नहीं एसी अपने कमरे में लगवा दूंगा, एसी मेरे नाम में थोड़ी है। चलो भाई दोस्तों यह कर दी हमने न्यारी, भाई मैं बनाऊंगा आज आलू गवार की फली जो है सब्जी, बहुत ही बेहतरीन बनेगी। हाँ सारे काम कर दूंगा बेटे, सारे काम आओ आपके पापा ने। ठीक है दोस्तों, बाबू बेटा हम बैठ गए हैं सब्जी बनाने के लिए, लेकिन भाई काफी सारा सामान सा होगा, फिलहाल हमारे सामने ये सब्जियां रखी है छोटे लाल। हाँ। बेटे बहुत सारा सामान सा होगा, बना होगा कैसे पापा? वो सामान से क्या होगा? क्या क्या चाहोगे बताओ? चक्कू चाहिएगा, गैस सिलेंडर चाहिएगा, गैस चाहिएगी। तो रसोई में तो मैं बना नहीं सकता, मेरे को तो भाई पूरा स्पेस चाहिए। रसोई तो मम्मी की है। नहीं हमारी भी है रसोई, मम्मी की अकेली थोड़ी है। आधी है पापा, आधी गैस पे कुक कर रोटी बना देंगे। तो एक काम कर आज। हाँ? आज एक काम कर लिया। हाँ आज आपकी मम्मी ने मना लिया। हाँ अगर वह मानगी तो। ना माना पापा। अरे मान जाएगी, मैं मना लूंगा छोटे। सुने आज आपकी मम्मी बना देगी सब्जी और कल से मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है? मैं उस तरह रिक्वेस्ट करके देख लूंगा, मान जाएगी। ठीक है मैं सब्जी ले जाऊँ रसोई में और आपकी मम्मी तो दूँ, ठीक है ना? आप लोग बैठो और मैं अभी गुड न्यूज ले आता हूँ आपके लिए। दोस्तों मैं कल से बनानी शुरू करूंगा, क्योंकि भाई आज काफी आ रहे हैं, थक रहे हैं, मंडी में भी खूब घूम लिया हम। सोनू
एक काम कर, आज आज सब्जी बना दे, कल से मैं शुरू कर लूंगा। मैं ना बनाऊ, मैं मिर्चा बना लिया, गल पर लीजिए ले लिया, बनाओ तो बना लियो ना बाबू बेटा, भूख हड़ताल पर रही। नहीं इस पार ले जी तो पेट थोड़ी भरेगा, इस पार ले जी तो पेट भर जाएगा। ईद तो भर जाएगा, सामने अपने मोटे मोटे दो रोट पोंगी, अच्छा घी धरूंगी, पैर गप्पा गप खा लूंगी, मैंने सब्जी की जरूरत नहीं। तो ऐसा है होटल पर हम भी खा का सका, खाओ फिर शान करो मेरे पे, दोनों बड़वा नहीं ले जाऊंगा होटल पर खाया वांगे। न्यू मतलब रूस से कितने दिन रूस सकी है बता, कै दिन खाओगे होटल पर? चार दिन हो गए, चार दिन हो गए। कै दिन खाओगे होटल पर बताओ? चार दिन हो गए, मैंने फिर बना लो और खा लो, बहुत हो गया है। ठीक है ले, ना 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 अपनी बनाओ खाओ। सुन भूख लग रही है सच में, बहुत तेज। ये सब्जी पकड़, देख मैं दाना पर ले जी। अच्छा सब्जी पकड़ ले, ले सब्जी ये दर्जी धरण की ना गई, न काट ले और सब्जी बना दे मारे। ना ना बनाओ अपनी, बना ले और खा ले बाबू बेटा, बनाओ चक्कू लो कटो और बनाओ और रन दो और खाओ। छोटे पापा कौन सा ना माने, मान तो जा गया। अरे ना माने, मान दे छोटे। सोनू आखिरी बार पूछूं, मतलब साग बनाओगे कि नहीं बनाओगे ये बता? ना बनाऊं। ते काम कर भाई, ने उल्टी देगा रे सब्जियां, चल मंडी में चल। चलो, चलो, चल ले पकड़ रहे, ये लसन वसन उठाओ इन्हें, चलो चलो जाओ जाओ, बेच सकते हैं सो जाओ, चलो। तो दोस्तों हम तो चल पड़े हैं भाई सब्जियां वापिस देने के लिए, छोटे बेटे वापिस भी नहीं लेंगे वे। एक काम करो रसोई में रख दो, चलो होटल पर खिला के लाऊंगा, इसने है ना करण दे जो कुछ करे है। चलो होटल पर जा, हम तने कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं मैंने, नहीं मतलब मारे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे चैन कराया करते, केक रहा सारा दिन, केक रहा मेरा पट्टा के ना करती, तो मेरे तो बोलिए मत। बेच सकते मत बोलो, जाओ भाई। मैं नहीं बोलूंगा दोस्तों इस तरह, और मैं व्लॉग भी नहीं बनाऊंगा, इस व्लॉग ने भी अटेंड करूंगा।